अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जा रहे खुश रहे बात रहे खाते पीते रहे हज करते रहे तो जी जो मेरे चैनल पे नहीं है तो उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दिया करें लाइक भी कर दिया कर साथ में बटन दिया और बैल का भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले ठीक है जी तो आज देखते हैं वीडियो में क्या है और हमारा व्लॉग जो है ना वो शुरू हो चुका है अलहमद तो देखते हैं जी हमारे वीडियो में क्या क्या आपको नजर आएगा अच्छा वो सूप मैं पीने के लिए गई थी ना उसकी वीडियो भी अपलोड की थी जब भी आप चाहें तो वहाँ पर आप जा सकते हैं पाप पहुँच पे हैं बहुत मज़े का सूप है ठीक है और दूसरा ये कि मेरे घर से काफ़ी दूर हैं लोगों ने किसी ने कमेंट्स किया था मुझे कि आप इतनी रात में क्यों निकली हैं तो हमारी अपनी मर्जी होती है हम रात को लिख लें या दिन को लिख लें ठीक है हमने सूप पीना था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अपनी बेटी को साथ लेके गई हूँ ठीक है अब वो दूर था या नज़दीक था या कुछ भी था ऐसे कमर्स क्या करें जो अच्छे लगे और प्यारे लगे जो हमें भी अच्छे लगे ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछ के, आप के जाऊंगी क्या मैं कि मैं जाऊँ या दिन में जाऊँ या रात को निकलूँ ठीक है ये हमारी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है ठीक है ना अभी हमारा दिल करता है कि हम दिन को भी निकलते हैं हमारा दिल करता है हम रात को भी निकलते हैं जी हमारी अपनी मर्जी है जहरजी बात है कि हम अपना ब्लॉग बना रहे होते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स ना क्या करें अच्छे से कमेंट्स क्या करें ठीक है आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप अगर मेरी वीडियो आपको नहीं अच्छी लगती है तो सौ बीस मिनट आप ना देखा करें ठीक है पूरी दुनिया में आप ही रह गएंगे देखने के लिए आप अच्छे कमेंट्स नहीं करते मुझे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे ना कमेंट्स आके ना इस तरह ना क्या करें क्योंकि रात के टाइम में मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं पीने के लिए गई थी सूप तो आपने मुझे कमर्स किया कि आप इतनी रात को लिख ले लिख ली हैं अपनी बेटी को लेके तो जी रात के आपको पता है कराची में जो ना वो माहौल बहुत अच्छा है हमारे कराची का माहौल गंदा नहीं है ठीक है तो आपने जो कमर्स किया मुझे अच्छा नहीं लगा तो आप ये प्लीज़ अगर कमर्स करते हैं ना तो फिर अच्छे क्या कर ऐसा ना क्या करेंगे दिल खराब हो बंदे का ठीक है ना मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने जो ना मुझे कमेंट्स किया और अच्छा भी नहीं लगा मुझे ठीक है ना हम हूट पीने के लिए थे गए थे हम कौन सा हारागर्दी करने के लिए गए थे पहली बात तो यही है तो जाहिर सी बात आपको मैंने दिखा भी दिया अब आपके लिए मैं वीडियो नहीं बनाती ठीक है ना मैं ना बहुत मेहनत कर रही हूँ अपनी वीडियो पे और मैं चाहती हूँ कि आप जब भी कमेंट्स करें जब भी कमेंट्स करते हैं आप उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं आपको किसी कोई इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन आप कभी कभी भी आपने कभी अच्छा कमेंट्स किए हैं कि नहीं मैं इतनी मेहनत से वीडियो अपनी बनानी होती हूँ लेकिन आपका कमेंट जो ना हमेशा से पता नहीं क्या है आपको क्या नहीं है आलम कि मेरे मेरे वीडियो पे आगे आपने उल्टी सीधी ही बातें करनी होती हैं ये नहीं कि हमारा दिल रखने के लिए हमें जो ना मजबूत करने के लिए और हमें आगे चलने के लिए आप अच्छा क्या है कभी तो ये बोलो कि हाँ भाई माशा आज अच्छी वीडियो बनाई है आपने ठीक है तो इस तरह से कमेंट्स ना क्या करें आप बेशक मेरी वीडियो ना देखा करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है यह पूरी दुनिया मेरी वीडियो देख रही है लेकिन सिर्फ आप ही हैं तो कमर्स कितने भी और लोग होते हैं कोई मुझे कमर्स नहीं करता क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत से क्योंकि वो कितने एक साल से डेढ़ साल से मैं अपनी वीडियो बना रही होती हूँ और हमेशा से अच्छे कमर्स करते हैं ठीक है ना तो आप जो ना ऐसे कमर्स ना क्या करें जिसका जिससे ना हमारा दिल दुखे ठीक है हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम बगैरत नहीं हैं ठीक है थीके? समझ गए आप तो हमेशा से अभी भी मेरी वीडियो सिर्फ आपके आपको मैंने बोलने के लिए कहा है कि अच्छे अच्छे कमर्स करेंगे आप मैं कमर्स काट दिया करूँगी आपके क्योंकि मुझे ये ऐसे कमर्स नहीं चाहिए ठीक है आपने कभी भी कमेंट्स करें आप किसी की वीडियो पर भी जाएँ तो आप माशाला बोल दीजिए करी करें, करें या नाइस कर दिया करें ताकि हमारा दिल बड़ा हो जाए ठीक है समझ में आ रही है आपको ये बात आप जब भी कमेंट्स करते हैं उल्टी सीधे कमेंट्स करते हैं ठीक है जी तो एक दिन ना अपनी अगर आपने चैनल नहीं बनाया तो एक दिन अपने चैनल बना के दिखाएगा मुझे ठीक है और फिर बताइएगा कि ये कैसी वीडियो बनती है ठीक है ना मुझे अच्छा नहीं लगा चले जी ये तो मैंने उसके लिए बोला है कि जिसने मुझे कमेंट्स किया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी तो मैं और मेरी बेटी गए थे अब आपको क्या पता मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती हूँ कि आपने क्यों कहा ऐसा अच्छी बात थोड़ी होती है कि आप आप देख रहे हैं आप वीडियो देखें ज़रूर देखें लेकिन अच्छा कमेंट्स करें ठीक है आपके नेचर में नहीं होगा लेकिन हमारी नेचर में हम मैं किसी की भी वीडियो पर जाती हूँ और अच्छा कमेंट्स करती हूँ कभी मैंने बुरा कमेंट्स नहीं किया क्योंकि मेरी तरबियत में ऐसा नहीं है कोई कैसा भी वीडियो कोई कैसी वीडियो बना रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत से बना रहा है और मैं भी ना बहुत मेहनत से बना रही हूँ और हर कोई मुझे जानता भी है ठीक है जी तो आप जो ना कभी भी किसी की वीडियो पे भी जाएं आपको नहीं अच्छी लग रही बेशक आप ना देखें लेकिन आपने कमर्स जो है ना वो कमर्स ऐसे करें कि बंदे का दिल खुश हो ठीक है इसका मतलब ये नहीं है उसको हट करें आप उसको हट कभी भी ना करें इसलिए कि हम गरीब ज़रूर हैं मैंने फिर आपसे कहा हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम बग़ैरत नहीं हैं ठीक है मुझे नहीं अच्छा लगा आइंदा ऐसे कमर्स नहीं किया करें ना मेरी वीडियो दिखा करें आप ठीक है जी चलिए जी वीवर्स ये जिसके लिए मैंने कहा था उसके लिए मैंने कह दिया समझदार होगा तो कभी भी ऐसे ऐसे कमर्स नहीं करेगा मुझे ठीक है जी तो बस चलते हैं हम आगे भी और दिखाते हैं आपको अपना वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बात के ऊपर तो मैंने इसलिए ये अपनी वीडियो अपलोड की है कि मुझे नहीं अच्छा लगा उसकी जो भी वो वो मेरी वीडियो देखते हैं ना तो उड़ पड़ा जो ना वो ना मैसेज कर देते हैं पता नहीं क्या दुश्मनी है उसको मेरे से चले आगे देखते हैं ब्लॉक में क्या है को जी मैंने कपड़े धो दिए थे वो सारे हो रहे थे ना तो मैंने कहा चलो धो देती हूँ और ये देखो हमारा बिल्ला ये हमारे पीछे पीछे लगा रहता है ये देखो इसको कोई और काम नहीं है ये बहुत छोटा सा था ये जब से जो है ना मेरे आगे पीछे बस घूमता रहता है ये इसकी ना टांग में चोट लगी थी तो मैंने इसको सही किया था तो अब बस मेरे आगे पीछे आगे जहाँ मुझे देखते ना बस ये देखे बस ये घूमता रहता है मेरे आगे पीछे तो जना सारे कपड़े धुल गए हैं अल्लाह का शुक्र है अब ये गाड़ी में गाड़ी में बैठ जाओ गाड़ी में बैठोगे बैठ, <laughs> बैठ जाओ ओई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मस्तियाँ देखो इसकी मस्तियाँ ये देखो मस्तियाँ देख रहे हैं आप इसकी <laughs> गाड़ी में बैठने के चक्कर में बैठ जाओ बैठो गाड़ी में बैठो बैठोगे गाड़ी में बैठना है ये देखो कैसे मस्तियाँ करता है माओ 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 मौसम ऐसा हो गया ना तो जानी फर देखो कहा टी वी है मुझे डर लगता है इसको मैं सीधा भी करती ना तो मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए है ना उसको मैं सीधा करके लिटा देती हूँ मैं भी इधर हो चलो ना अच्छे अच्छे के लेते हो ना अच्छे के अच्छे के ताकि आप गिरो नहीं देखो ऐसे करके अब लिटा दिए ना इसको तो प्रो भी यहाँ पर सो रही है ये देखें ज़रा और बच्चे ना अंदर सो रहे हैं रूम में ना तो अभी सर्दी है ना और आज के आज जो था ना आ, मतलब आज ना हफ्ता है ना तो छुट्टी थी बच्चों की ना तो देर से उठेंगे वो लोग ना इतनी बिखरी हुई चीज़ें ना इसको हम समेट लेते हैं ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सारी ना आपको पता ही कि मैं खुद ही अपनी वीडियो बना रही होती हूँ तो ये बच्चों ने देखो आ, ब्रश भी तोड़ दिया है ये बच्चों ने ये देखो जरा अब ये लगाना पड़ेगा मुझे किससे ये ना ग्लू लेके कर यहाँ पर ना वो होता है ना क्या कहते हैं उसको एल्फी उससे जोडूंगी मैं इसको बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना उन पढ़ा जल्दी जल्दी जाते हैं ना ये लोग बच्चे तो फटाफट जो ना, फिर ना क्योंकि छुट्टी उनकी होती है साढ़े बारह एक बजे तक सुबह जल्दी जाना होता है सात बजे तक मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो सारा कुछ ये बिखेर के जाते हैं बच्चे तो ना मैंने कहा चलो सारा समेट दूँ तो जी समट गया अब ये था बॉल ये मुड़ा जिसको बोलते हैं ये देखिए ना बच्चों ने क्या किया हुआ है जूतियाँ भी इतनी बिखेरी हुई हैं मैं कहा सारा समेट के रख दूँ फिर जी सारा दिन ना घर ना साफ रहा क्योंकि मेरे तो बच्चे बड़े हैं ना छोटे नहीं हैं लेकिन अभी भी ना ये देखें मुढ़ा जूतियाँ मेरी देखें कितनी बिखरी भी हैं उनको भी मैं समेट दूँ मुझे ना बिखरी चीज़ें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं तो समेट देती हूँ उनको बच्चियाँ हैं ना मेरी भांजी भी आई हुई है ना लाहौर से तो उसके भी जूते हैं सारे यहाँ उसने अपने जूते वगैरह रख दिए हैं फिर मैंने कहीं और नहीं रखे चलें जी ये भी हो गया समेट दिया सारा इसलिए कि जी क्या होता है कि सिमटी हुई चीज़ें होती है ना तो मैं इधर उधर नहीं रखती चीज़ें क्योंकि वो भांजी आई हुई ना मेरी तो उसके शूज़ जो ना ये है ठीक है जी तो बस कमरा भी मैंने सारा समेट दिया और चादर वादर भी आपको पता है मैं अपनी वीडियो खुद ही बना रही होती हूँ ये भांजी है मेरी लाहौर से जो आई हुई ना उसका बैग है ये तो अभी ना ये इस मेरे रूम में वो सो रही है तो आ जाएगी वो बड़ी बहन की तरफ ये दवाइयाँ मेरी जो ना ये रखी हुई हैं ये रहने देती हूँ कुछ सामान भी यहाँ रखा हुआ था मैंने कहा चलो ये मेकअप वेकअप भी करती ना बच्ची तो फिर अच्छी बात नहीं होती ना उठा के मैं इधर रख दूँ उधर रख दूँ तो सारा कुछ बेड वगैरह भी साफ़ कर दिया है यहाँ पर जी ये चादर मेरी जो मैं ले कर सोती हूँ अभी तय करके नहीं रख सकती इसलिए मेरे हाथ में आपको पता है ना मेरे हाथ में तकलीफ़ होती है फिर हाथ में ना कल मैंने कपड़े धोए ना तो फिर से मेरा हाथ सूज गया ये देखे फिर से सूज गया मेरा हाथ ना तो ये पर्दे जो ना मैंने अभी क्या हुआ कि कितने दिनों से रखे हुए ना आपके सामने ना तो अभी इसके हुक जो है ना वो लेकर कर आने हैं मुझे ये देखें इसके हुक है ना रिंग जो होता है न गोल वाले वो लेकर आने हैं वो लेकर कर आऊँगी और फिर लगाऊँगी पर्दे ना क्योंकि है ना इसलिए इधर ना रोशनी बहुत आती है ये देखें इतनी रोशनी आती है और ये पर्दा ना ये ना ख़राब भी हो रहा है बहुत ना तो मैंने कहा चलो इसके रिंग लेकर आने हैं आजकल मैं जाऊँगी और फिर रिंग लेकर कर आऊँगी फिर ये लगाने हैं बस मेरी तबीयत की वजह से ना मैं ना कुछ कर नहीं पा रही हूँ ये सारा मसला है